साथियों जय भीम जय संविधान, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों हाथरस में जो घटना हुई मनीषा के साथ, आपको बताना चाहता हूं, उस पे पूरे भारत में एक दुखद और एक क्रांति आ गई है। आपको बता दूं बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक, और इतना ही नहीं साथियों क्रिकेट में भी। पहले बयान आया था क्रिकेट के जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान है जिनका नाम है विराट कोहली के बाद साथियों ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को आया, और हरभजन सिंह का आया, लेकिन अब जो ट्वीट आया है साथियों वो है सुरेश रैना, जो कि आपको बता दूं कि क्रिकेट के वो ऑलराउंडर कह मतलब थे और इस टाइम भी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ सुरेश रैना जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंसानियत को शर्मनाश कर देने वाली ये घटना है, और ये काफ़ी ये निंदनीय है, और देश के अंदर एक आक्रोश है उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। ये भारत देश में ये हो क्या रहा है। इस तरीके से सुरेश रैना जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए ये भी बात लिखा है कि उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। एक तरफ जहाँ पर कुछ लोग बचाने के चक्कर में है, और एक तरफ साथियों आपको बता दूँ कि फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर हर किसी जगह से फिल्म सितारे भी, फिल्मी दुनिया, हिंदी फिल्मों के, तमिल फिल्मों के, और क्रिकेट के मतलब हर कोई सितारा आज उस मनीषा बहन के लिए न्याय के लिए गुहार कर रहा है साथियों। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय मिला सलाम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भी